मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरकारी गौशालाओं के संचालन का कार्य पूर्ण प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FPO को थोक में दे दिया गया है। गंगेत की फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक शिवचरण तिवारी के द्वारा बताया गया कि उन्हें लगभग 2 दर्जन से अधिक गौशालाओं का संचालन का कार्य इन FPO के अध्यक्ष जिला कलेक्टर और इनके सचिव CEO जिला पंचायत रीवा द्वारा आवंटित किया गया है और उनके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों में राशि भी भेजी जा चुकी है। 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री के गो पूजन अभियान के तहत गगेव जनपद की हिनौती गौशाला में पहुंचे ग्राम पंचायत के सरपंच भारत साकेत और अन्य नागरिक रामायण प्रसाद चतुर्वेदी, हीरामणि शुक्ला, चिंतामणि चतुर्वेदी, कामता प्रसाद चतुर्वेदी और राम शिरोमणि साकेत आदि के द्वारा बताया गया कि पिछले सरपंच शिववती सिंह और सचिव हीरालाल साकेत ने अप्रैल के आसपास बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए हुए गौशाला संचालन का कार्य किसी FPO के अधीन कर दिया, जिसके संचालन का जिम्मा किसी शिवचरण तिवारी को दिया गया है। चुनाव उपरांत जब बेसहारा पशुओं की समस्या उत्पन्न हुई और किसानों ने दबाव बनाया तो ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच भारत साकेत और प्रभारी सचिव प्रकाश उपाध्याय सहित अन्य ग्रामीणों के द्वारा जुलाई से गौशाला संचालन का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया। ग्राम पंचायत हिनौती के सरपंच भारत साकेत और प्रभारी सचिव प्रकाश उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि गौशाला संचालन का कार्य उनके द्वारा निर्धारित किए गए कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उनकी पूरी भूमिका है, लेकिन जब पैसों की बात आई तो पता चला कि जिला कलेक्टर और जिला CEO के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाएं के डिप्टी डायरेक्टर की अनुशंसा पर गौशाला संचालन का कार्य FPO NGO को दे दिया गया है और अब इन FPO द्वारा लगभग 2.25 लाख रुपए राशि की मांग की जा रही है, जो पंचायत के खाते में आया हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब 27 सितम्बर को गौ पूजन के लिए आए FPO गंगेव के संचालक शिवचरण तिवारी के द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा लेबर लगाए गए हैं और गौशाला का संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिस पर उपस्थित गौशाला कर्मचारियों में राम शिरोमणि साकेत एवं अन्य के द्वारा बताया गया कि हम आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्योंकि इसके पहले तो आप कभी आए ही नहीं और हम गौशाला में काम सिर्फ ग्राम पंचायत के सरपंच भारत साकेत और सचिव प्रकाश उपाध्याय एवं ग्रामीण जनों के कहने पर कर रहे हैं और हमारा पैसा भी अभी बाकी है जिसका पिछले 6 माह से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। गौरतलब है कि FPO की एंट्री से जहां कई दर्जन गौशालाओं को थोक में जिला कलेक्टर और जिला पंचायत CEO के अनुशंसा और पत्रों के द्वारा इन फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे कर दिया गया है, उसे स्थानीय ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे महिला स्व सहायता समूह और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव में आक्रोश है और उनका यह कहना है कि जब सरकार ने हर ग्राम पंचायत में महिला स्व सहायता समूह का निर्माण कराया है तो फिर यह किस लिए है। यही कार्य तो गांव के महिला स्व सहायता समूह कर सकते थे और 2 पैसे की आमदनी भी पा सकते थे, लेकिन किसी विदेशी फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नामक NGO को इस प्रकार थोक में बिना ग्राम पंचायत की जानकारी और ग्राम सभा के विधिवत प्रस्ताव के बिना यदि संचालन का कार्य दे दिया गया है तो इसके लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और जो रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाया जा सकता है उसके लिए इस प्रकार दूर दराज बैठे हुए NGO के संचालक हजम कर रहे हैं और मौके पर गौशालाओं का कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं। इस मामले में एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि आखिर सरकार और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों की मंशा क्या है। क्या सिर्फ गौशालाएं इसी प्रकार कागजों में संचालित होती रहेंगी या गौशालाओं और गौवंशों की सुरक्षा संरक्षण के लिए आने वाली राशि इसी प्रकार NGO और उनके संचालन हजम करते जाएंगे। सवाल यह भी है कि जब इन संचालकों को यह नहीं पता कि उनकी गौशालाएं कहाँ हैं और उनमें कितने मवेशी हैं, कौन उनकी व्यवस्था और देखरेख कर रहा है, तो आखिर इनको किस आधार पर पैसे दिए जाएं? गगेव जनपद में FPO के संचालक शिवचरण तिवारी के द्वारा जिस प्रकार से मात्र अपने पैसे प्राप्त करने के लिए विवाद करने का प्रयास किया गया और हर स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि वीडियो में भी रिकॉर्डिंग की गई है, उससे साफ जाहिर है कि इन NGO के संचालकों को सिर्फ पैसे की भूख है और इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि गौशालाओं में गौवंश की क्या दुर्दशा है। यदि देखा जाए तो हिनौती ग्राम पंचायत की गौशाला में ही 100 के स्थान पर 500 के आसपास गौवंश रखे गए हैं, जिनकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है और 4 से 5 फीट गोबर पड़ा हुआ है, जिसमें मरने वाले गोवंश भी वहीं नजदीकी तालाब में फेंक दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से महामारी भी फैलने का खतरा है।
ऐसे में एफपीओ एनजीओ के द्वारा मात्र पैसे का क्लेम किया जाना जिला कलेक्टर रीवा और जिला पंचायत सीईओ जो कि क्रमशः इस एफपीओ के अध्यक्ष और सचिव हैं, उनकी कार्यप्रणाली और मनसा पर भी प्रश्न खड़ा करता है। डॉक्टर साहब आपको शुभ नाम। डॉक्टर रत्नेश सिंह, पशु चिकित्सालय देवास। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं गौशाला में, यहाँ पर आप आए हैं आज निरीक्षण करने के लिए, ये क्या कार्यक्रम था आज? आज मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देशित किया गया था कि गौशाला में गांव की पूजा करने का कार्यक्रम रखा गया था, उसी के तारतम्य में आज उपस्थित हुआ था। और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ममता तिवारी जी को भी आना था तो किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं। तो अलग निरीक्षण किया है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो गोबर वगैरह पड़ा हुआ है आपको लगता है कितने दिन का ही हो सकता है? काफी पुराना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन संचालन सही से हो नहीं रहा है। इसमें प्रबंधन संचालन सही से नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका फीडबैक ये है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दो तीन दिन के लिए पूजेगा? दो तीन दिन के लिए जी। तो पैसा सरपंच के खाते में निकाल के देंगे तब ना भूसा लेंगे? तो ये भूसा जो आप कह रहे हैं दो तीन दिन के लिए होगा, ये कब से आप देख रहे हैं कि इतना ही भूसा रहता है यहाँ पर? एक महीने पड़ा हुआ है तब ना हम निकाल के, करीब हम दो तीन महीने से देख रहे हैं बस इतना, यहीं पे इतना रखा हुआ है। तो क्या इसकी वजह है? आप देखिए, इधर आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इधर आइए, आप डॉक्टर हैं, वेटनरी के डॉक्टर हैं। जैसे ये इसकी सफाई किस तरह से होनी चाहिए? इसको क्लीन होना चाहिए, ये डेली क्लीन होना चाहिए ना, लेबर इसको डेली क्लीन करें। क्लीन करें तो आपको क्या लगता है कि इसमें कैसे मवेशियों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं इसकी वजह से? इसमें गलघोंटू भी हो सकता है, बीक्यू भी हो सकता है, और पशु वैसे भी बीमार हो सकते हैं। अनेक तरह की बीमारियां इसमें हो सकती है इस गंदगी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तू कहाँ काम कर रहे हो? कहे लागे कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे महाराज की बिल्डिंग की चौबे गांधी घर जैसा होता है, है जैसा भोपाल में हमने पुट्ठा मिल में देखा था कि गांधी भैंस कट रही, गैया कट रही, उसी प्रकार से ये है। कैसी तो मान लीजिए पानी वर्ष कांदो बच्चा नहीं आए, बहुत कांदो है हर, ये पानी पीने का पानी भरा हुआ है। यहाँ देखिए ऐसा लगता ही नहीं कि महीनों से गऊओं की कोई सेवा ही नहीं हो रही है। सेवा क्या है यहाँ, तो ढीलना बहुत छोड़ना मुश्किल भाई। भारत लाल साके, सरपंच ग्राम पंचायत हिनलती। ये जो हमारा गौशाला संचालन का कार्य चल रहा है पंचायत द्वारा चल रहा है, पंचायत ने वर्कर 3 रखे हैं, वही काम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो अनियमितता फैली हुई है तो शिवचरण तिवारी जी ने हमसे बताए कि हमने अनुबंध इसका ले लिए हैं पूर्व सरपंच के माध्यम से। उसे अनुबंध को मैं तोड़ना चाहता हूं और स्वयं चलाना चाहता हूं जी।